हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके देन बात करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की। तो एसएन डिजाइन नाम के एक यूट्यूबर ने माइनक्राफ्ट के अंदर अल्ट्रा इलास्टिक सिटी बना दी है। इसकी वीडियो थोड़ी सी चोपी लगे, बट शायद ये इसलिए है क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स को रेंडर करना डिफिकल्ट हो रहा होगा किसी भी जीपीयू के लिए। इस सिटी का नाम है न्यू ऑस्टेनिया एंड यहाँ हम सभी कुछ देख सकते हैं जो कि एक रियल सिटी में होता है, लाइक लग्जरी हाउसेज, डिजाइनर क्लोथिंग स्टोर्स, पार्किंग एंड और भी बहुत कुछ। बाकी यहाँ पर कुछ मोड्स भी यूज किए हुए हैं, लाइक ऑप्टिफाइन, एम्बिएंट ब्लॉक एंड एम्बरस्टोन फॉलिक। तो हाँ, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके देन बात करते हैं अपने अगली न्यूज की, जो कह रही है टेक्नोब्लेड को लेके। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली इनका डेथ हो गया है ड्यू टू कैंसर एंड उनके डेथ के बाद एक वीडियो अपलोड हुई थी सो लॉन्ग नट करके। तो कल उनके चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया गया उनके फादर के थ्रू एंड उन्होंने टेक्नोब्लेड का फेस रिवील भी कर दिया। तो हाँ, जब टेक्नोब्लेड के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो वो अपना एल्बो रिवील करने वाले थे जो कि उन्होंने नहीं किया था। तो टेक्नोब्लेड के फादर ने सबको गिफ्ट दिया है एल्बो रिवील करने के साथ साथ उनका फेस भी रिवील कर दिया। वो एक लंबा डिस्क्रिप्शन भी लिखे जो कि आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। और वहीं पर करंटली आप लोग YouTube के सर्च बार में सर्च करते हो टेक्नोब्लेड तो वहां पर लिखा हुआ आता है डिड यू मीन टेक्नोब्लेड नेवर डाइज। तो क्या लगता है ये YouTube की तरफ से ट्रिब्यूट है टेक्नोब्लेड के लिए? शायद हो भी सकता है। बाकी आप लोग भी कमेंट में रेस्ट इन पीस टेक्नोब्लेड लिख देना। ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो क्या है रोनी और पायल जोन को लेके। तो मैंने आपको अपने रिसेंट वीडियो में बताया था कि रोनी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी ये वाली, जिसमें वो बताए थे कि पायल जोन ने उनका वीडियो चुराया है और अगर उनके इस वीडियो पर 10 के कमेंट्स हो जाते हैं तो वो स्ट्राइक मार देंगे। और हाँ, उनके उस वीडियो पर कमेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। तो अब इस पर पायल जोन ने भी एक रिप्लाई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, मैं आप लोगों को छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूबर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी एक ऐसा यूट्यूबर मेरे साथ इतना गलत कर रहा है जिसके बारे में मैंने आज तक अपने चैनल पर कोई बुराई नहीं करी है, एक रोस्ट वीडियो तक नहीं बनाया है मैंने इनके ऊपर, लेकिन ये तभी भी मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। गाइज, मैं मानती हूँ ये गलती मैं अपनी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने रोनी की वीडियो चुराई है। मैं अपने मुँह से ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैंने रोनी की वीडियो चुराई है। लेकिन क्या रोनी ने मेरे ऊपर 2 वीडियोज नहीं बनाई है? क्या रोनी ने अपने चैनल पे जो 2 रोस्ट वीडियो मेरे ऊपर बनाई है, क्या उसमें उन्होंने मेरे कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया है? क्या उन्होंने मेरी पूरी पूरी वीडियो चला के उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है? मैं ये पूछना चाहूंगी रोनी से, उन्होंने भी तो मेरी वीडियो इस्तेमाल करी है। क्या मैंने उनको कभी कुछ गलत बोला कि आपने मेरी वीडियो इस्तेमाल की? ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कह रही है बीस्ट बशुप को लेके। तो ये अपना ओपिनियन दिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सेट्रा। सो वो बोले, पीपल हु से दैट द कंटेंट ऑन रील्स शॉर्ट्स ऑन टिकटॉक इज बैड, इट्स फुल ऑफ स्टूपिड पीपल डूइंग एडिटिंग थिंग्स, मेकिंग क्रिंजी वीडियोस, नो क्रिएटिविटी, नो टैलेंट एक्सेट्रा। आई होप दे रियलाइज दैट दिस प्लेटफॉर्म्स ओनली शोज यू द कंटेंट सिमिलर टू व्हाट यू यूजुअली वॉच। ऑल्सो बीस्ट बशुप की बात हो रही है तो करंटली ये अपने ट्विटर पर काफी एक्टिव है और अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद काफी लोगों को ये लगने लगा कि क्या वो डिप्रेस्ड हैं एंड इसी चीज पर बीबीएस एक ट्वीट भी किए। सो आई शेयर सम ट्रूथ एंड स्टार्टिंग पोस्टिंग यूनिक ओपिनियंस कंपेयर टू व्हाट्स नॉर्मलाइज्ड एंड यू गाइस स्टार्ट कॉलिंग मी डिप्रेस्ड, यू रियली थिंक आई एम द वीक, आई एम जस्ट मोर ओपन अबाउट माय ओपिनियंस ऑन ट्विटर नाउ, चिल, नो वन इज लिसनिंग एंड सैड सॉन्ग्स, आई एम इनटू फंक। ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कह रही है मोटल को लेके। सो वंस अगेन मोटल रनर अप रहे एट द ईस्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर और इस पर वो रिएक्ट करते हुए बोले, अनदर फर्स्ट रनर अप, थैंक यू एवरीवन, वी विल रॉक 2023। So, हाँ, मेरी तरफ से भी उनको बिग कॉन्ग्रेट्स। ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कह रही है टोटल गेमिंग को लेके। तो आपको पता होगा कि टोटल गेमिंग काफी पॉपुलर है और सब उनको जानते हैं, बट उनको किसी ने देखा नहीं है, मतलब कि वो फेमस होकर भी फेमस नहीं है। और इसी पर वो ट्वीट भी किए, बताओ क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जहाँ आपको सब जानते हुए भी कोई नहीं जानता, विद लाफिंग इमोजी। तो हाँ, बात तो सही है। ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कह रही है चपाती गेमर को लेके। सो ये कल काफी ट्वीट्स किए तो मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोले, आई एम एक्चुअली मिसिंग हीरो ब्रेन एसएमपी। देन मिस्टर बीस ने ट्वीट किया था, हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर, इसका रिप्लाई करके चपाती गेमर बोले, यो जोगिंदर। देन इन्होंने अपने नेक्स्ट ट्रिप के बारे में भी अपडेट दिया कि वो नेक्स्ट 3 डेज के लिए स्पेन जाने वाले हैं और फिर उसके बाद इंडिया की ट्रिप का प्लान है। ओके देन बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कह रही है टैडी गेमिंग को लेके। तो इनका टैडी एसएमपी का एपिसोड 4 आ गया है और इसके पिंड कमेंट में उन्होंने कहा, हीरो ब्रैन इज नो मोर, नेक्स्ट एपिसोड ऑन 55K लाइक्स। तो हाँ, लाइक्स आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, तो हाँ जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।